नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसने भी सुना वो हैरान हो गया और बेटे और माँ के पवित्र रिश्ते का कत्ल हो गया। यह मामला जो माँ बेटे के पवित्र रिश्ते से जुड़ा है, जिस माँ ने अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो आने वाले समय में अपनी माँ का ही कातिल बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कलयुगी पुत्र की जिसने अपनी ही माँ को एक फरार स्त्री के लिए हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाज बहादुर बरई टोला निवासी शशि प्रकाश ने अपनी पहली बीवी को छोड़ अपनी सगी साली से विवाह रचा लिया, जिसका विरोध जब उसकी माँ ने किया तो शशि प्रकाश ने अपनी माँ को उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कलयुगी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। SP सुधीर सिंह ने बताया कि अभियुक्त शशि प्रकाश की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसके दो बच्चे हैं, फिर भी उसने अपनी सगी साली से शादी रचा लिया। लेकिन मानवता में उसकी पहली बीवी और उसके बच्चों की परवरिश उसकी माँ कर रही थी, लेकिन ये बात उसको नागवार गुजरी और उसे मौत के घाट उतार दिया। अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। मामला आया है, बेटा अपने ही माँ की हत्या कर दिया है, क्या प्रकरण है पूरा सर? देखिए, ये सोनू विश्वकर्मा है, कोतवाली थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और इसने अपनी बीवी के रहते हुए अपनी साली से सगी साली से शादी कर ली थी। इसके पहली बीवी से तीन बच्चे भी हैं और इसके जो माँ बाप हैं वही इसकी पहली वाइफ को और उनके बच्चों को पाल रहे हैं। किसी बात को लेकर इसकी अपनी माँ से झगड़ा हुआ और इसने अपनी माँ को पटक दिया, जो इसकी माँ व्रत थी उन्हें पटक दिया और उस पटकने से उनके माँ के प्राण निकल गए। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। सर, नाराजगी इसी बात को लेकर थी? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से नाराजगी इसी बात को लेकर रही होगी, क्योंकि वो मानवता के नाते जो इसकी पहली बीवी थी और उसके बच्चे थे उन्हें पाल परोस रहे थे, वृद्ध होने के बावजूद भी ये उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसी बात को लेकर किसी बात पर कहा सुनी हुई और उसने अपनी माँ को लेकर पटक दिया। ठीक है।